अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज की वीडियो में आप सीखेंगे डबल अरज में कुर्ती किस तरह निकालें। जैसे कि हमारे कपड़े का जो है डबल अरज होता है, तो उसकी हम जो कटिंग करें तो किस तरीके से करें, तो इसमें मैं आपको वो सारी चीज़ें समझाने वाली हूँ। कई बार क्या होता है कि डबल अरज होता है और हमें पता नहीं होता, और जब हमें जानकारी नहीं होती तो हम उसे दूसरे तरीके से कटिंग कर लेते हैं और हमारा कपड़ा जो है जो आगे का है वो ख़राब हो जाता है। तो जैसे कि ये हमारा डबल अरज है, तो इसमें हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो आपको इस तरीके से पन्ना नाप लेना है कि आपके जो कपड़े का है पन्ना कितना है। अब देखो ये इस तरह से जो है ये हमारा पन्ना है, इसका चौड़ाई जो है ये इस तरीके से है। ये जो हमारी 56 इंच की इसकी चौड़ाई है, क्योंकि ये डबल अरज में है, और ये जो है हमारा इधर से ये सीधा है। ये जो जहाँ से हमारी ये किनारी है, ये कपड़ा हमारा सीधा होता है। तो अब हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मैं इसको सीधा फोल्ड करूँगी क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो कलर है इधर से ये थोड़ा गहरा है, इधर से ये उल्टा है। आप जब भी कटिंग करें तो उल्टे ही कपड़े पर कटिंग करें, मैं आपको सीधे कपड़े पर कटिंग करना बता रही हूँ। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद जितना भी आपका दामन है, दामन के हिसाब से आपको ये यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है, इस तरीके से। ये इस तरीके से फोल्ड करना है। पहले अपना आपको दामन देखना है कि तुम्हारा दामन कितना है, फिर उसी हिसाब से आप इसको, जैसे मैं इसका दामन रखूंगी, मैं इसका 16, तो मुझे इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए मोड़ने के लिए। तो 16 के जो हाफ होंगे तो वो 8 इंच होंगे, तो 8 इंच मैंने यहाँ पे रख के देख लिया है। और ये मेरा थोड़ा सा है, मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा आगे साइड को बढ़ाना है, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे। 1 या 1.5 इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए मोड़ने के लिए। तो अब जो है ये हमारा 1 इंच और 1/2 इंच, 1.5 इंच ही हमारा मार्जिन के लिए हो गया। तो अब हमें सारा कपड़ा बराबर करना है, ये इस तरीके से ऊपर तक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें बराबर कपड़ा करना है। तो ये यहाँ से हमारा 10 इंच है, और सारा ही हमें इस तरीके से 10-10 इंच ऊपर तक देखना है। तो अब हम इसमें निशान लगाएंगे, सबसे पहले जो निशान लगाएंगे वो हम इसकी लेंथ लगाएंगे कि लेंथ कितनी है। लेंथ में रखूंगी इसकी 34 इंच, तो 1/2 इंच हम मार्जिन में रखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लगाया ये 35 इंच पे, 1/2 इंच नीचे की साइड जाएगा, 1/2 इंच ऊपर की साइड जाएगा। तो मैंने ये 35 इंच पे निशान लगा लिया, और इसको यहाँ से ऐसे सीधा कर लो। तो ये हमारा मोड़ने का हो गया, और ऊपर की साइड भी जो कपड़ा हमारा फालतू है एक्स्ट्रा, उसको यहाँ पे ऐसे निशान लगाएं पहले। अब जो तीरा है, तीरा मेरा 12 है, तो 12 के हाफ में 6 इंच लगाऊंगी यहाँ पर। और जितना मैंने यहाँ पर लगाया है इतना ही मैं इस साइड लगाऊंगी। ये भी मैंने यहाँ पर 6 इंच लगाया है, और इसके जो नीचे है यहाँ पर भी मैं 6 इंच लगा रही हूँ। और इंच टेप को हटाना नहीं है, यहीं पकड़े रहना है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ 12 इंच पे, और अब ये सीधी लाइन बनानी है। ये मैं जो है 13 साल की बच्ची है, 13-14 साल की बच्ची के लिए मैं बना रही हूँ। तो ये मेरे 4 निशान है, ये ऊपर का जो है ये मेरा यहाँ से तीरे का निशान है, ये मेरा चेस्ट का निशान है, ये मेरा कमर का निशान है, और ये मेरा हिप का निशान है। आप जिस भी साइज का बनाएं तो आप यहाँ से तो नाप ले कि आपको कितने पे चाक खोलने हैं। मुझे यहाँ पे 12 पे चाक खोलने थे, ये बच्चे का साइज है। और जो बड़े की कुर्ती की कटिंग होती है वो भी मैंने वीडियो डाल रखी है। तो यहाँ से मैंने 6 इंच लगाया तीरे का, और यहाँ से मैं 7 इंच लगा रही हूँ चेस्ट का, क्योंकि 14 है चेस्ट, मैंने कुर्ती का नाप ले रखा है, वो बिल्कुल तैयार है। तो वो 14 है, तो 14 के हाफ मैं यहाँ पे 7 इंच लगा रही हूँ।
और यहाँ पर है वो 13, तो 13 के आधे में लगा रही हूँ 6.5। यहाँ से जो कमर है वो 6.5 है, और यहाँ पे मैं 7.5 लगा रही हूँ इस तरीके से। और फिर इस तरीके से सेफ पट्टी उठाएं और ऐसे रखें इसको। ये जो उभरा हुआ हिस्सा है इससे यहाँ के निशान लगाने हैं, जो अंदर का हिस्सा है उसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से इसको ऐसे निशान लगा दें। इससे निशान लगाने बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ इसके निशान लगते हैं। अब जितना हमने यहाँ से रखा है, ये हमने रखा है 7.5, तो इसमें हम आधा इंच बढ़ा के इसका दामन रखेंगे। तो ये हमने 8 इंच दामन रख लिया, 16 हमारा तैयार आ जाएगा ये। अब यहाँ से और यहाँ तक इस तरीके से बिल्कुल सीधा निशान लगा लें इस तरीके से। अब यहाँ से और यहाँ तक हमें 1.5 इंच का फर्क रखना है। जैसे हमने यहाँ पर 6 इंच रखा था, तो यहाँ पर हम रखेंगे 4.5 इंच और इसको हल्का सा ऐसे क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करके यहाँ पे एक निशान लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ से हम 1 इंच रखेंगे, और 1 इंच रख के यहाँ पर हम इस तरीके से गोलाई बना देंगे इस तरीके से। तो ये जो निशान है हमारा, ये जो हमारा फ्रंट का है सामने का, अब इसी के बराबर में हम बैक का निशान लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा बैक का निशान है। ये निशान तभी लगता है तब हम दोनों अगला पल्ला और पिछला पल्ला साथ बिछाते हैं। तो ये जो है दोनों मेरे बैक और फ्रंट सामना बिल्कुल बराबर बिछे हुए हैं, तो इसी तरीके से हमें ये दो निशान लगाने पड़े हैं। अब यहाँ से 1.5 इंच के मार्जिन रखना है। आप इस तरीके से निशान लगा ले, या फिर हल्का हल्का बस ऐसे, जिससे कि आपको याद रहे कि हमें कटिंग यहाँ से करनी है। कई बार क्या होता है कि कटिंग हम यहाँ से कर देते हैं कि हमको पता नहीं होता, जब हम ये निशान लगा लेते हैं तो हमें याद रहता है कि हमें कटिंग यहाँ से करनी है। तो कभी भी आप मतलब जब भी आप कटिंग करें तो ये ध्यान रखें कि जब यहाँ से आप निशान लगाएं तो ये जो मार्जिन का जो निशान है आगे की साइड का, वो भी ज़रूर लगा लें। अब यहाँ से ऊपर की साइड से जो कपड़ा है हमारा फालतू, पहले इसी कटिंग कर लें। यहाँ से इस निशान पे कटिंग नहीं करनी, इस निशान पे कटिंग करनी है बाहर वाले पे। इससे क्या हुआ कि हमारा देखो कपड़ा भी खराब नहीं हुआ, ये हल्की सी किनारी बची है, एक जो ऊपर के पल्ले की हल्की किनारी बची है, और जो नीचे की इसमें हम बाजू बना लेंगे। तो ये हमारा जो है बहुत ही अच्छे से एक कुर्ती इसमें निकल जाती है। अगर हम बड़े साइज की भी इसमें कुर्ती निकालते तो वो भी निकल जाती, लेकिन मुझे इसमें छोटे साइज की निकालनी थी। तो एक कुटके का निशान यहाँ पे लगा लें, ये हमारा मोड़ने का है, और ये हमारा यहाँ पर हिप का है, और यहाँ पर कमर का है, और ये हमारा फिटिंग का है, और यहाँ पे बीच का है ये इस तरीके से। और लगाने के बाद अब नीचे की साइड से इस तरीके से निशान उठा लें बिल्कुल सही। और निशान जब उठाएं तो उसका ये ध्यान रखें कि बिल्कुल सही निशान होने चाहिए, नहीं तो आपकी कुर्ती इधर उधर भागेगी और बिल्कुल भी अच्छे से फिटिंग नहीं आएगी। तो आपको इस तरीके से निशान उठाने हैं इस तरीके से। जब आप इसकी कटिंग करेंगे तो वो भी मैं अभी आपको बता रही हूँ कि आस्तीन की कटिंग कैसे करनी है। तो ये जो अंदर का पल्ला है हमें ये बाहर इस तरीके से निकालना है, ये इसको ऐसे हटा दें।
और जो ये निशान है इस निशान पे कटिंग करनी है। अब जो है यहाँ से जो है मुड्ढा नाप लें और जितना भी ये आ रहा है इसी हिसाब से आपको बाजू की भी कटिंग करनी है। ये हमारा 7 इंच का आ रहा है तो अब हम इसमें से 7 इंच की बाजू की कटिंग करेंगे। अब देखो इसमें से ये हमारा अच्छा खासा कपड़ा बच गया है। इसमें से हम जो है बड़ी बाजू भी कर सकते हैं लेकिन मुझे बड़ी की ज़रूरत नहीं है, मैं छोटे बच्चे की बना रही हूँ। तो आपके पास कभी भी डबल आरज का कपड़ा हो तो आप इसी तरीके से कटिंग करें, उससे आपका कपड़ा बच जाएगा और बहुत ही कम कपड़े में 1 मीटर में ही आप अपनी कुर्ती बना लेंगे फुल साइज़ की। अगर आपके पास डबल आरज का कपड़ा है तो 1 मीटर में कुर्ती बहुत ही अच्छे से बन जाएगी। अब मुझे जो है इसकी लेंथ जो रखनी है वो मुझे 17 इंच रखनी है और ये यहाँ से मिलाना है बिल्कुल अच्छे से और मिला के इसको ऐसे रख लें। रखने के बाद आप 17 इंच देख लेंगे कहाँ है, तो ये यहाँ पर मेरा 17 इंच का, मैं 17.5 पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ से जो फालतू कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेंगे पहले। और मैं इसमें जो है अम्ब्रेला बाजू कटिंग करूँगी। अब यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा देंगे और ऊपर के साइड से ऐसे यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगा देंगे इस तरीके से। और यहाँ से कुछ दूरी पे तकरीबन 6 इंच पे यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की साइड यहाँ पर हम लगाएंगे 7 इंच पे निशान। अब यहाँ से इस तरीके से इसमें हम ऐसे निशान लगा देंगे और इसको ऐसे ही उठाएंगे और इस तरीके से ऐसे निशान लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी अम्ब्रेला बाजू जो है कट के तैयार हो जाएगी। ये इस तरीके से और यहाँ से इसमें इस तरीके से हल्का सा सेक देंगे। ये जो चीज़ है यहाँ पर हम इसको मिला देंगे और यहाँ से ऐसे कटिंग करेंगे इस तरीके से। इसको ऐसे उठाने के बाद इसमें यहाँ पे हल्की सी सेक देंगे इस साइड। यहाँ से इस तरीके से तो ये हमारी जो है बाजू भी कट के तैयार है। तो इस तरीके से जो है हमारी पूरी कुर्ती की कटिंग जो है तैयार हो चुकी है और फाइनल है बिल्कुल। तो आपने देख लिया होगा कि कम कपड़े में और डबल अरज में किस तरीके से हम कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आपको कहीं ढूंढनी ना पड़े। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।